आज मेरी बहन का बर्थडे है, तो कैसा लगा केक सरप्राइज? तो भाई मेरी बहन मिल चुकी है, देखो ये रही, बहुत पतली दुबली हो चुकी है और साथ में अभी हूँ भाई रिंगस में, खाट श्याम जी जा रहा हूँ। और हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। गाइस मैं अभी हूँ भाई रिंगस में, खाट श्याम जी जा रहा हूँ, और जब सभी को जय श्री श्याम। और भाई मैं अभी रिंगस जंक्शन में हूँ, मेरे साथ आया भाई मेरा दोस्त, काफ़ी दिन बाद आए और ये मोटा हो गया, हाथ पतले हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। और इधर देखो ये रिंगस जंक्शन है। हम लोग आए जयपुर से, और जयपुर से हम लोग चले थे, कितने बजे चले थे? अभी 6 बज चुके ना, 5 बजे चले, ठीक है, एक घंटा हो गया। तो गाइस ये है रिंगस जंक्शन, और यहाँ से खाट श्याम जी जाने के लिए बहुत इजी होता है। आप कहीं से भी रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, अगर खाट श्याम जी जाना चाहते हो तो आप कहीं से भी अपने घर से, मतलब आपका जो भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप लोग रिंगस की ट्रेन पकड़ो और सीधा रिंगस आ जाओ। यहाँ से आप लोगों को पता लगेगा कैसे जाते हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी देखो वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है, अब उसको ब्लॉगिंग करनी है। और भाई इतनी भीड़ है ना यहाँ पर, क्या बताऊँ आप लोगों को। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गजब हो रखा है, ना तो गर्मी है ना ठंडी है, मतलब नॉर्मल मौसम है आज। और चलते हैं, निकलते हैं अभी थोड़ी देर में, चले क्या? और देखो गाइस, अगर आप लोग निकलोगे ना इधर से, तो यहाँ से भी देखो टैक्सी वगैरह जाती है, जो आप लोगों को 50 रुपये लगेगी खाट श्याम जी छोड़ने के लिए। अगर आप लोगों को भाई और कम पैसे में जाना है, तो वहाँ से थोड़ी सी आगे चलने के बाद बस स्टॉप से बस जाती है, जो 30 रुपये लेता है खाट श्याम जी जाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बस से जाएंगे, इससे कम्फर्टेबल नहीं होता, बहुत सारे लोग बैठा लेते हैं ये लोग। चलो चले आसू, ओके। फिलहाल का क्या सीन है, देखो स्टेशन में बाहर आ चुका और हमको बस मिलेगी भाई उधर से, तो मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पे सीधा। अभी देखो वहाँ पर बस खड़ी है, और इधर भाई दुनिया भर की गाड़ी खड़ी है, वो सब अवॉइड करके हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं भाई, क्योंकि भाई बस में जाना है हम लोग 20 रुपये। कितने पे ले रहे हैं वो? 20 रुपये बोल रहे हैं। गाइस फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ भाई बस में, और देखो यहाँ पर लगातार बस जाती है, देखो ये बस निकलने के बाद ये बस तैयार हो जाएगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ भाई, बस का किराया सिर्फ 30 रुपये होता है, और जो गाड़ी जाती है उसका 50 होता है, बट कंफर्टेबल बस होती है, क्योंकि गाड़ी वाले बहुत सारे लोग भर देते हैं उसमें, क्योंकि गाड़ी में पर्याप्त सीट होती है, तो वो लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भरे, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा बस से आना। क्यों आसू? ये तो भाई कठिनाई होता है, क्या रहे तो सभी के सभी ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ब्लॉग शूट कर रहे हैं। चलो भाई एकदम, और मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 10 से 15 मिनट में हम लोग रिंगस से निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए, ठीक है। और अभी मैं सीधा मिलता हूँ भाई खाटू श्याम जी, अभी मज़ा आएगा जाके। गाइस अभी फ़िलहाल बस तो हम लोग यहाँ पर छोड़ दी बस स्टॉप पे, प्राइवेट बस स्टॉप पे, अब जाना है भाई तोरण गेट, चले। क्या बोल रहा था? रूम कमरा चाहिए क्या? फिर तो मैंने भाई दिन दाड़े सुबह पहले रूम कौन लेगा भाई? अरे तो बोल रहे दिला रहे हूं। गाइस पहले है ना मैं बस गवर्नमेंट बस स्टॉप जाता हूँ, वहाँ पर गवर्नमेंट बस स्टॉप है, देखो वो सामने ही है, और उसके बाद मैं वहाँ से पूछता हूँ भाई, जो मेरी सीट है ना कोर्ट बोली वहाँ की बस जाती कि नहीं जाती, क्योंकि भाई मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बस नहीं मिल पाती जयपुर बस, तो भाई बहुत सारी जाती है यहाँ से। चलो उधर चलता हूँ मैं। तो गाइस ये बस स्टॉप है, गवर्नमेंट बस स्टॉप, और इधर से हम लोग एग्जिट करेंगे। मौसम भाई क्या बढ़िया हो रखा है, और पता है यहाँ पर बस कोटपुली जाने के लिए बहुत कम बस जाती है यहाँ से, और बस की बहुत कम शॉर्ट, मतलब बहुत कम जाती है बस, और यहाँ का बस स्टॉप भी छोटा ही है, और मेरे हिसाब से इनको बड़ा करना चाहिए, मैं पहले वाले ब्लॉगों में बताए थे बातें। चलो अभी निकलते हैं, ये भी यार गवर्नमेंट बस है, ये हरियाणा बस है, बट ये जाती नहीं उधर अभी। चलो भाई अभी हम लोग पूछ चुके हैं भाई तोरण गेट के सामने, भाई लग रहा है एक गांव का क्लिप लेते हैं तो यार भाई बहुत ही अच्छी है अभी, है ना, पता है भाई ये जो मैंने है ना एक घंटे आई जबरदस्ती बना के चली गई, मैंने बोला आंटी आप बताओ क्या करूँ, मेरे पास कैश है नहीं, मेरे पास फोन पे में पैसे हैं, आपके पास फोन पे नहीं है, और मैं अभी कर नहीं सकता, कैसे करूँ, आपके पास पेमेंट 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास जेब में, तो बोली कि आप जाओ और आपके पास हो तो दे दे रहा, तो ठीक है आएंगे तो दे जाएंगे, मतलब इमोशनल कर दिया भाई बाबा के दरबार पर आने के बाद, मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पर, ज़्यादा बुरे भी नहीं है बाकी। और एक चीज़ और, इधर 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 ज़्यादा समय 100 रुपीज़ मेरी तरफ से देख जाएगा ना, और का ना ठीक है। नहीं भाई ना क्या है घर से अभी, घर से आराम करो ना, हो अरे आराम से, एक घंटे पहले घर से चले हैं जयपुर से, ना क्या है भाई 2 घंटे और 20 मिनट सो करके करके बोल रहे आओ ना। चलो भाई चलते हैं। गाइस सुबह सुबह अभी तो भीड़ काफ़ी कम है यहाँ पर, काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर, और अभी हम लोग हैं थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, मंदिर तो पीछे है देखो इधर ही पीछे मंदिर है, बट हम लोग घूम के क्यों जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है, बहुत लंबी लाइन होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने जूते वगैरह निकाल दिए, इसने जूते वगैरह निकाल दिए,
और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मंदिर जाने के लिए, ऐसे घूम के जाएंगे और फिर मंदिर जाएंगे। चलो भाई देखते हैं शॉर्टकट है कि नहीं। इधर सामने मंदिर है और भाई उधर VIP द्वार है, इधर से VIP दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई इधर से इस जगह जाएंगे, इधर से घूम के भाई इधर से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर VIP लोग कुछ लोगों को अंदर जाने देते हैं, मतलब जो VIP है। मतलब भाई VIP तो मैं भी हूँ, बट आज मेरी दीदी नहीं है यहाँ पर, मेरी बहन यहाँ पर रहती है, पता है आप लोगों को, तुम्हारी दीदी रहती है बट वो नहीं है, वो रहती है तब तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं। बट आज जाएंगे हम लोग बाबा के पास, चल के पूरा चल के जाएंगे। चलो इस तो भाई मेरी बहन मिल चुकी है, देखो ये रही, बहुत पतली दुबली हो चुकी है और प्रसाद बेच बेच के प्रसाद। गाइस इनकी दुकान है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में। और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई मतलब VIP दर्शन के लिए, ट्राई करने के लिए। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले मेरी बहन रहती है यहाँ पर, है नहीं बट ये मिल गई आज, ठीक है। तो अभी आगे जाएंगे, उधर से VIP दर्शन होते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या सी एंट्री होती नहीं होती, बाकी बहन का पावर देखते हैं वहाँ पर जाके क्या पावर होता है। देख सामने बेवड़ा खड़ा, ये दारू पी के प्रसाद बेचता है, टी शर्ट वाला खड़ा, ये दारू इसने पहने के दारू पी के दारू पर देख गाइस इधर ना दारू पी के प्रसाद वगैरह बेचते हैं, तो आप लोग मत खरीदना, और इनके पास खरीदोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरी बहन है ठीक है यार, ऐसे लोग होते हैं। देखो उधर से VIP एंट्री कर सकते हैं गाइस, तो मैंने दीदी का पावर देख लिया भाई, कुछ बोल रहा है नहीं उस पुलिस वाले ने, जाओ आप जाओ इधर से अंदर जाओ, लोकल बंदे को जाने देते हैं हम हाँ, इसमें हाँ, लोकल है ना जो VIP दर्शन किसी के लिए अवेलेबल है, बस जो लोकल है ना वो जा सकते हैं। अच्छा तो भाई मैं तो आधार कार्ड बनवा रहा हूँ, VIP कुछ नहीं है यहाँ पे दर्शन, बस पहली लाइन से दूसरी लाइन से तीसरी लाइन से दर्शन होते हैं यहाँ पे, तो अभी भीड़ भी नहीं होती। इन पुलिस वालों को क्या बोलना पड़ता है, लोकल 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 वो वीडियो नहीं चल रहा है, वो चला जाता है, जो कुत्ता भौंकता है तो वो बता रहा भाई लोकल है। गाइस मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मतलब काफी दूर तक घूम के आना पड़ता है, पर दीदी की वजह से काफ़ी आसान हो गया ना यहाँ पर, और काफ़ी सही लग रहा है बाबा के पास ज़्यादा टाइम, क्योंकि भाई काफ़ी डिमोटिवेट हो गया, मैं काफ़ी परेशान हूँ और हारे का सारा हमारे खाटू श्याम है, ठीक है तो जा रहा हूँ बाबा के पास। हम लोग आ चुके हैं भाई मंदिर में दर्शन करने के लिए, और बहन आगे जा रही है, वो भग रही है हमको दर्शन करने, हम पीछे हैं ठीक है, और ये सब लोग आ रखे हैं भाई इधर दर्शन करने के लिए। चलो गाइस फिलहाल हम लोगों ने भाई बहुत अच्छे दर्शन किए लाइफ में, ऐसे दर्शन मेरे कभी नहीं हुए, सही बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आज। और बाबा के पास मतलब काफ़ी देर तक टाइम मिला मेरे को वहाँ पर रुकने का भी, तो फिलहाल हम लोग बाहर आ गए भाई बाबा के पास से फूल लेके। तुम लग गई भाई वो गई उधर से, चलो चले फटाफट जा रही हाँ भाई। क्या अभी हम लोग है ना दीदी से बस बजा के कहीं और आ चुके हैं, और आप लोगों को बता दूँ मैं, दीदी का आज बर्थडे है ठीक है, और वो हम लोग को पता लग गया था उनके हैंडल से इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो तो उनको पता नहीं है बिल्कुल भी, हम लोगों को पता भी है भाई। हम लोगों ने भाई यहाँ से भाई की दुकान से केक वगैरह मंगवाया ठीक है भाई, जय श्री श्याम। ओके तो उनको सरप्राइज देते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है। चलो आज मेरी बहन का बर्थडे है, तो कैसा लगा केक सरप्राइज? ओके अभी बग रही है, मेरे काम का लॉस हो रहा है, काम का लॉस हो रहा है, काम। दीदी को बाय बाय बोल रहा हूँ, बाय बाय। और यहाँ से प्रसाद के लिए बोल देना सबको लेना। अरे हाँ यार गाइस, आप लोग VIP दर्शन वाले रास्ते से आओगे और आप लोग अंदर नहीं बढ़ने देंगे, तो आप लोग इधर से आओगे ठीक है, इस वाले रास्ते जाओगे तो थोड़ा सा आगे आने के बाद है ना आप लोगों की दुकान दिखेगी, देखो सरकारी मिसाल भंडार, और इसमें आपको यही पे यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर मिलेगी, और क्या बोलती मिलेगी इसको बोल बोलते पेड़े प्रसाद। अरे हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, तो भाई मेरी बहन के पास प्रसाद जरूर लेके जाना है यहाँ पर, नाम सरकारी पे आओ, काम प्राइवेट। चलो भाई हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा, और इनकी वजह से ना एक बहुत अच्छा काम भी हुआ हमारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बताऊंगा नहीं सब लोगों को, क्योंकि सब लोग आओगे इसके पास ही। जा रहा हूँ बेटा ठीक है, बाय। कितने बजे? अभी हाँ, चलो दीदी बाय। गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ भाई यहाँ के बस स्टॉप पर, बस स्टॉप आया मेरे को कम से कम आधा से एक घंटा हो चुका है, आ चुका है भाई, आज पूछने भी आता होगा भाई जयपुर की बस है यहाँ पर से, इतनी बस जाती है जयपुर की, समझ नहीं आता क्यों जाती है भाई, कोटपुतली की बस जहाँ पर मैं रहता हूँ थोड़ी दूर, वहाँ की बस तीन तीन चार चार घंटे में चलती है, और मैं काफ़ी से वेट कर रहा हूँ, बस नहीं आ रही है। और मौसम ठीक होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इधर अभी, तो गाइस
अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। अभी मैं सीधा घर जा रहा हूँ, घर जाने के बाद ब्लॉग बनाऊंगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो मैं आज ही डाल रहा हूँ तो आप लोग आज देख लेना, ठीक है। और हमारी दीदी को हैप्पी बर्थडे विश कर देना सब लोग। बाय बाय, टेक केयर।